श्री प्रियालाल की प्रेम में सेवा का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्री प्रियालाल जू सरकार को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी आनंद में होंगे और हमारी प्यारी सी लाडली सरकार भी बहुत ही आनंद में होंगी और आपकी जन्माष्टमी की तैयारियाँ भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। मैंने जन्माष्टमी पर अपने लाडले ठाकुर जी के लिए ये प्यारा सा मुकुट बनाया था, तो मैंने सोचा इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। मैंने कान्हा जी के लिए येलो और ग्रीन कलर की एक पोशाक बनाई है, जिसके मैचिंग का मैंने ये मुकुट भी बनाया है और ये एक फ़ोटो बेसिस वीडियो होगा, क्योंकि मैंने मुकुट बनाते समय इसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारे काम करने थे जन्माष्टमी के लिए, तो मैंने पिक्चर्स ही क्लिक किए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से आपको पिक्चर्स के साथ समझा सकूँ। तो आइए हम बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। और आप यदि ये वाला मुकुट घर पर ट्राई करें अपने ठाकुर जी के लिए बनाएं, या आपने जन्माष्टमी के लिए कोई भी चीज़ें अपने लाडले कान्हा के लिए और किशोरी जू के लिए अपने हाथों से बनाई हैं, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुकरम स्ट्रिप ली है, और बुकरम की पट्टी लेने के लिए आप अपने ठाकुर जी के सर का मेजरमेंट कर लीजिए कि आपको विड्थ और लेंथ कितनी चाहिए। और यदि मुकुट थोड़ा छोटा या बड़ा बन जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम वेलक्रो टेप का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमने बुकरम की स्ट्रिप ली थी उसे बराबर फोल्ड करके और पेंसिल या मार्कर पेन की हेल्प से इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, देखिए इस तरह से। और फिर सीज़र की हेल्प से आपको ड्रॉ किए हुए बुकरम को कट कर लेना है, तो हमें बुकरम कुछ इस शेप में मिल जाएगा जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने बुकरम की एक और स्ट्रिप ली है और उस पर ग्रीन कलर का मुझे मुकुट चाहिए था, तो मैंने ग्रीन कलर के फैब्रिक को इस पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। और मैंने फैब्रिक की डबल लेयर को यहाँ पर पेस्ट किया है, क्योंकि मेरा जो कपड़ा था वो थोड़ा सा थिन था, ट्रांसपेरेंट था, उसमें बुकरम दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर डबल लेयर लिया है और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे बुकरम में पेस्ट कर दिया है इस तरह से। और जो स्ट्रिप हमने शुरू में कट की थी उसको भी मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। और ग्लू से पेस्ट करने के बाद हमें इसे कुछ देर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और फिर जिस बुकरम पर हमने कपड़ा पेस्ट किया था उसी पर मैंने देखी कुछ इस तरह से पेंसिल से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं, एक लीफ का पैटर्न है और दूसरी साइड भी आपको डिज़ाइन, दो सेम टू सेम डिज़ाइन दिख रहे हैं, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। और ऊपर जो आपको एक स्ट्रिप रखी हुई दिख रही है, मैंने वहाँ पर कुछ और बनाया था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने दूसरा फिर डिज़ाइन ड्रॉ किया। और फिर सीज़र की हेल्प से इसे कट कर लीजिए। और इसके बाद आपको एक थिक पेपर लेना है, जो हमारे बुक के कवर होते हैं उस तरह का एक मोटा सा कागज़ आपको लेना है इस तरह से। और जो एक राउंड शेप में आपको एक डिज़ाइन दिख रही है, मैंने एक लेस में से कट किया है। और अब इन सारे डिज़ाइन को हम इस थिक पेपर पर पेस्ट करेंगे। आप चाहे तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। और जिस तरह से आपको पिक्चर में शो हो रहा है इसी तरह से आपको सारे डिज़ाइन की पेस्टिंग करनी है, देखिए इस तरह से। अब जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम इसकी डेकोरेशन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल चेन लिया है, देखिए इस तरह का मैंने एक बॉल चेन लिया है इसको डेकोरेट करने के लिए। और डेकोरेशन की चॉइस टोटल आप पर डिपेंड है, आप किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उन्हीं से मुकुट को डेकोरेट कीजिए। बॉल चेन के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुंदन का उपयोग भी किया है डेकोरेशन के लिए, और ये कुंदन थोड़े से येलोइश और रेड कलर में है, देखिए इस तरह से। और डेकोरेशन में इन सभी चीज़ों की पेस्टिंग करने के लिए आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प ले सकते हैं, या फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी आप इन सभी चीज़ों को स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ किया है इन सभी चीज़ों को पेस्ट करने में। और देखिए पेस्टिंग करने के बाद मेरे मुकुट का लुक कुछ इस तरह से आया है। अब मुझे मुकुट में दो टैसल्स भी लगाने थे, तो मेरे पास एक इस तरह की लेस थी, तो मैंने इसी से दो टेसल्स बनाए हैं, देखिए किस तरह से मैंने बनाया है। इस वाली लेस का एक छोटा सा पार्ट कट करके हमें इसे ऊपर से इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड किए हुए पार्ट को हमें थ्रेड की हेल्प से लपेटते हुए जाना है इस तरह से, देखिए।
और फिर मेरे पास एक इस तरह का वायर यानी कि एक तार था जिसका एक छोटा सा पार्ट कट करके मैंने इसे टेसल के बीच में से फिक्स कर दिया है ऊपर तक, देखिए कुछ इस तरह से। और तार का ऊपर वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है इसे डेकोरेशन करने के लिए, और मैंने इसमें कुछ मोती लगाए हैं। तो जो हमारा टेसल है उसका फाइनल लुक देखिए कुछ इस तरह से आया है, और अब हम इसे अपने मुकुट में लगाएंगे। और ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पर अपने दोनों टेसल को मुकुट में स्टिक कर दिया है, और मुकुट का लुक देखिए इस तरह से आया है, कितना सुंदर लग रहा है मुकुट। ये है हमारे मुकुट का अभी तक का प्यारा सा लुक। इसके बाद मैंने दो वेलक्रो टेप की स्ट्रिप्स ली हैं, देखिए ब्लैक कलर का मैंने वेलक्रो टेप लिया है यहाँ पर, और इसे भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से ही अपने मुकुट में स्टिक कर दिया है। वेलक्रो टेप को आप ग्लू गन की हेल्प से ही स्टिक कीजिए, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से नहीं कीजिएगा। और वेलक्रो टेप को स्टिक करने के बाद जो हमने सबसे शुरू में बुकरम की एक स्ट्रिप काटी थी, देखिए आपको इमेज में शो हो रहा होगा, इसी तरह की थिक पेपर की एक और लेयर कट करके इसी शेप की हमें फिर से यहाँ पर स्टिक करना है। मैंने पेपर की लेयर को वेलक्रो टेप लगाने से पहले ही स्टिक कर दिया था, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। और बस इसी तरह बातों बातों में देखिए हमारा प्यारा सा मुकुट सुंदर सा कितना प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है, बहुत सुंदर लगेगा हमारे प्रभु के ऊपर ये। और ये जो पीछे पोशाक दिख रही है ये पोशाक मैंने बनाई थी, और इसी के मैचिंग का मैंने ये मुकुट भी बनाया था। तो हमारे लाडले ठाकुर की शोभा ही कुछ अलग होगी जन्माष्टमी पर, हमारे प्रभु इसमें बहुत प्यारे लगेंगे और बहुत खुश होंगे इस मुकुट को देखकर। तो आपको ये मुकुट कैसा लगा, आप इस जन्माष्टमी इस मुकुट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप कोशिश कीजिए कि अपने प्रभु का श्रृंगार आप मोस्टली अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से ही करें, आनंद ही अलग होता है उस बात का तो सच में। और मैंने देखिए यहाँ पर ट्रायल कर लिया है, लेकिन ये मुकुट मदन गोपाल जी को मैंने यहाँ पहना कर देखा है, लेकिन ये मैंने किसी और के लिए ही बनाया है, किसके लिए बनाया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और जो घुंघराले केश हमारे प्यारे प्रभु ने भी धारण कर रखे हैं ये भी बनाना मैंने आपको सिखाया था, यदि आपने अभी तक वीडियो चेक नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जन्माष्टमी प्रिपरेशन स्पेशल वीडियो, और आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारी प्रियालाल की प्यारी सी फैमिली का एक पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।